कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज आप को कैलिपर्स के बारे में बताएंगे। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैलिपर्स कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है जिसका प्रयोग लंबाई मापने के लिए, व्यास, मोटाई, किसी जोग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को इसकी सहायता से मापा जा सकता है। कैलिपर्स क्या है? अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष का मतलब इसके द्वारा मापने पर प्रत्यक्ष माप नहीं आएगी, जो दिखाई नहीं देती। इसकी माप क्लियर करने के लिए स्केल का सहायता, स्केल की सहायता ली जाती है। यह है अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग व्यास, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि माप ली जाती है। यह गाइस का इंट्रोडक्शन। नंबर दो, मटेरियल, मटेरियल। कैलिपर्स कौन सी धातु के बनाए जाते हैं? कैलिपर्स आमतौर पर HCS हाई कार्बन स्टील, नंबर दो आपका MS माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। कौन कौन सी धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के। इनके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। पॉइंट को क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर। हार्ड और टेम्पर किया जाता है जिससे कि उसका पॉइंट जल्दी से घिसे ना, इसलिए हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसका साइज, नंबर तीन हो गया इसका साइज। कैलिपर्स के द्वारा साइज कैसे लिया जाता है? कैलिपर्स, ये इसके पॉइंट हो गए, ये इसका स्प्रिंग हो गया, और यहाँ पे होता है रिबिट। ये क्या होता है? रिबिट, स्प्रिंग। ये हो गए इसके पॉइंट, और ये होगी इसकी लैग, बेंट लैग।
इसे बोलते हैं लैब। इसकी माप कैसे ली जाती है, माप जो है कैलिपर्स के द्वारा माप कैसे ली जाती है और इसका साइज कैसे लिया जाता है कैलिपर्स का। यदि आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हो तो कैसे इसकी माप का पता लगाओगे। रिविट पॉइंट से ले गए और ये पॉइंट है, यहाँ तक की दूरी आपको मापनी पड़ेगी, इससे आपको लंबाई का पता चलेगा। कहाँ से लोगे, रिविट से ले गए, रिविट से लैग पॉइंट तक की दूरी जो है आपको मापनी पड़ेगी। अब आ गया कैलिपर्स के प्रकार। टाइप ऑफ कैलिपर्स, टाइप ऑफ कैलिपर्स, कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट के हिसाब से, जॉइंट के हिसाब से कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर एक फर्म जॉइंट, नंबर दो स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। फर्म जॉइंट जो कैलिपर होते हैं आपके, उन कैलिपर में क्या होता है आपका जो है, एक रिविट लगा हुआ होता है, इसे फर्म जॉइंट बोलते हैं। और स्प्रिंग टाइप में ये आपको पहला नंबर जो दिखाया है ये स्प्रिंग टाइप है, ये स्प्रिंग लावा होता है इसमें, इसे स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। जॉइंट के हिसाब से कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो फर्म जॉइंट और एक स्प्रिंग जॉइंट। और वैसे कैलिपर्स के प्रकार जो हैं, नंबर एक इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर के द्वारा जो है किसी जॉब या वस्तु की अंदरूनी माप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्क पीस है आपका, कोई जॉब है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है अंदरूनी माप कैलिपर्स के द्वारा ले सकते हैं। कौन से, इनसाइड। इसकी लेग्स जो हैं वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं ऐसे। ऐसे बाहरी की साइड मुड़ी हुई होती है और एक इसमें स्क्रू होता है, इसमें थ्रेड होती हैं। इसमें थ्रेड होती हैं, इस स्क्रू की सहायता से ये ओपन और क्लोज होता है। ऐसे इनसाइड, इसके माध्यम से जो है
सपोज करो ये आपने कैलिपर का इस्तेमाल किया, तो ऐसे इसकी माप मापी जाती है। इसमें स्क्रू है, इसमें चूड़ियाँ हैं, तो ऐसे इसकी माप ली जाती है। इनसाइड यानी कि अंदरूनी माप लेने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं? इनसाइड कैलिपर। नंबर दो आपका आउटसाइड कैलिपर। ये आपका जो कैलिपर है नंबर एक जो है, ये आपका आउटसाइड कैलिपर है। कौन सा कैलिपर है? आउटसाइड। आउटसाइड कैलिपर। इसके द्वारा किसी गोल वस्तु की बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका ये मार्कर है, तो इसकी बाहरी माप जो है इस कैलिपर के द्वारा ले सकते हैं, और इसकी माप को क्लियर करने के लिए हमें स्केल की सहायता लेनी पड़ती है। आउटसाइड कैलिपर, ये क्लियर हो गया आप लोगों का? आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किस लिए करते हैं? किसी जो भी वस्तु की बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तीसरा हो गया आपका जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर कैलिपर्स की एक टांग सीधी होती है और दूसरा सिरा उसका मुड़ा हुआ होता है अंदर की साइड में। इस कैलिपर के दो नाम हैं, नंबर एक और लैग कैलिपर, नंबर दो हरमा प्रोटाइट, हरमा प्रोटाइट कैलिपर। कौन कौन से है? ओरलैक कैलिपर और हरमा प्रोटाइट कैलिपर, इसे दो नामों से पुकारा जाता है। किसे? जैनी कैलिपर को। इस कैलिपर का प्रयोग किसी जो भी वस्तु की सेंटर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग जो है एक साइड से मुड़ी हुई होती है। जैसे कि ये आपका ये हो गया, एक साइड एक टांग सीधी होगी, दूसरी ऐसे, ये हो गया आपका जर्नी कैलिपर। इसमें थ्रेड होती है पूरी, इसमें ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। समानांतर लाइन खींचने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसके समानांतर ये लाइन खींचनी है, तो ये इसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी गोल वस्तु का सेंटर निकालने के लिए भी इसका ओरलैक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैलिपर्स किस लिए प्रयोग करते हैं? एपेक्स मापी हो जाए, इसका प्रयोग व्यास मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई और मोटाई
आदि माप इसके द्वारा ले सकते हैं। मटेरियल कौन सी धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। नंबर तीन, इसकी लंबाई, यदि बाज़ार में खरीदने जाते हो तो इसकी लंबाई का पता कैसे करोगे कि आपको कितनी एमएम की लंबाई में कैलिपर्स चाहिए? तो आप पॉइंट से ले गए, रिविट पॉइंट से ले गए और इस पॉइंट तक जो है लंबाई तक ये माप होगी, रिविट से ले गए और दो टांगों के बीच की जो दूरी है ये यहाँ तक जो है आप लंबाई में ले सकते हैं, यानी रिविट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। ठीक है भाई, बाकी इसके प्रकार ज्वाइंट के हिसाब से दो, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग टाइप। फर्म ज्वाइंट इसमें रिविट लगा हुआ होता है और स्प्रिंग ये जिसमें जैसे कि स्प्रिंग लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू में थ्रेड होती है, स्क्रू की सहायता से इसे ओपन और क्लोज किया जाता है। यहाँ कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जैनिक कैलिपर, ये तीन प्रकार के कैलिपर हो गए आपके, जिसमें कि जैनिक कैलिपर के दो नाम होते हैं, एक ओडलैक कैलिपर और हर्मापोरोटाइट कैलिपर। अक्सर ये पेपरों में पूछा जाता है जैनिक कैलिपर के दो नाम बताओ, ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसके जिसे दो नामों से पुकारा जाता है, वो कौन सा कैलिपर है आपका? जैनिक कैलिपर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज ये आपको यहाँ तक कैलिपर्स के बारे में बताए से अच्छी तरह से इसे क्लियर कर लें।